अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोटा मुंह बड़ी बात भाभी जी, हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट आप संभाल लें। आप चाहते हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का सारा मैनेजमेंट मैं संभाल लूं? जी भाभी जी, मजदूर कितने घंटे ओवर टाइम करते हैं, कौन सा मजदूर किस टाइम आता है, मजदूरों की तनख्वाह और वो क्वालिटी चेक, ट्रांसपोर्टेशन, कच्चे माल का सारा हिसाब किताब, हम चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी हम आपके कंधों पर डाल दें। तिवारी जी, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, आप बेफिक्र रहिए, मैं सारा मैनेजमेंट ना बखूबी संभाल लूंगी। वाह, आखिर इस प्रोजेक्ट से विभू का भी तो नाम जुड़ा है ना, और अगर हम सारा माल अच्छे से डिस्पैच कर लेते हैं तो इसमें हम सबका फायदा है। आपकी ना इन्हीं बातों के हम एकदम कायल हैं। थैंक यू तिवारी जी, बस इसके लिए ना आपको मुझे जी बिल्कुल 50,000 एडवांस का चेक हम लेकर आए हैं भाभी जी। नहीं नहीं तिवारी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं पैसों की बात कर ही नहीं रही हूँ। अच्छा। देखिए तिवारी जी, आपने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के लिए इतना बड़ा लोन लिया है, और दूसरी बात, इस प्रोजेक्ट से विभू का भी नाम जुड़ा हुआ है ना, अब इसके बावजूद मैं आपसे अगर पैसे लेती हूँ तो मुझसे बुरा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए आई विल डू इट फॉर यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बस मैं तो ये कह रही थी कि उसके लिए आप ना मुझे अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स दे दीजिए, जो भी आपने एक मोटा मोटी प्लान भी बनाया होगा ना वो सब शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बनाया भाभी जी। हाँ, तो बस उसी प्लान को मैं बेस में रख के ना एक अच्छा सा मैनेजमेंट प्लान बना लूंगी। ठीक है भाभी जी। और हाँ, मुझे थोड़ी और भी डिटेल्स चाहिए होगी, जैसे कितने मजदूर होंगे और रॉ मटेरियल्स कितना आएगा, ये सारी डिटेल्स मुझे बारीकी से ना सब शेयर कर दीजिएगा, मैं अच्छा सा प्लान बनाऊंगी आपके लिए। जी भाभी जी बिल्कुल। इस बात पे कॉफी हो जाए, आज मैं बनाती हूँ। थैंक यू। अच्छा हाँ तिवारी जी, जी अब आप चेक ले ही आए हैं तो मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे देती हूँ, आप उसमें डाल दीजिएगा, चेक वेस्ट जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। ओके। अरे अबे इधर को जा यार, इधर। काम करने की बहुत आदत नहीं रही पता है, इसलिए थकान सी हो जाती है। सही कह रहे हो चाचा, धीरे धीरे आपकी उम्र भी हो रही है। बेटा एक दिन में 50 पीस निकालता हूँ, 50। 50 पीस मां साहब? चाचा तुम्हारी कसम, मैं तो बस 20-25 पीस बना पाया आज। लो ये हाल है। बेटा टिलुआ हाथ तेज चला ले, डेडलाइन नजदीक आती जा रही है। जी मां साहब। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग ऑर्डर टाइम पे पूरा कर लेंगे। भाई देखो अभी क्या है कि हमें डे नाइट काम करना पड़ेगा है? हमारे हाथ में रहेंगे सिर्फ 9 दिन, और एक दिन में अगर 50,000 पीस बनाएंगे तब जाके 10वें दिन हम पूरी डिलीवरी कर पाएंगे, समझे? चाचा जी कहना बहुत आसान है, अभी तक हम लोगों ने 10,000 पीस बनाए हैं, आज के जो बचे हुए घंटे हैं ना उसमें हमें 40,000 पीस और बनाने होंगे, तब जाके एक दिन का 50,000 का टारगेट पूरा हो पाएगा। हाँ तो बनाएंगे ना, लेकिन भाई हमारी भी तो थोड़ी बहुत कुछ ख्वाहिशें हैं, वो पूरी होनी चाहिए। जैसे टाइम पे चाय मिल जाए, जाम मिल जाए, छोरियां मिल जाए। अबे ओए, तब जाके थोड़ा सा ऐसा काम करने का मजा आएगा, वैसे खाली खाली। हाँ चाचा जी, ये सब मिल जाए टाइम पे तो और काम करने का मजा आ जाएगा। लेकिन चाय पीनो है कुछ और पीनो है, वाकई दूर जाना पड़ोगे, ये मालिक लोग नाराज ना जाएंगे। अरे काम करते हैं मेरी जान, जय रेशम पाल जो है ना भाग के चाय का ऑर्डर दे आएगा, चाय यही आ जाएगी। टिल्लू? टिल्लू नाम है मेरा, टिल्लू। अच्छा ये ख्याल तुम्हें पहले क्यों नहीं आया, तुम्हारे दिमाग में पहले भी तो आ सकता था, अभी क्यों आया? और सुनो, टी ब्रेक सिर्फ 10 मिनट का होता है, जिसमें से 5 मिनट गुजर चुके हैं। 5 मिनट बचे हैं, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? यार ये भी बात है यार।
बजने? वो तो रोज बजते हैं, आज खास क्या है भाई? आपकी 8 बजे घंटी नहीं बजती? कभी कभी बज जाती है भाई, हमारी तो रोज रात को 8 बजे घंटी बजती बजती है। सही कह रहे हो डॉगर, मेरी तो रोज शाम को 7:30 बजे घंटी बज जाती है। और चाचा मैं तो ये कह रहा हूँ कि काम करते करते लवली लवली पेग बनाएंगे और पीते जाएंगे, मजे से काम भी करते जाएंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल भाई, एक काम करो, काम छोड़ो और घंटी का इंतजाम करते हैं, चलो भाई। ये बात है। अरे ओ, बहुत बढ़िया। बैठ जा मेरे बेटे, उतावला का हो रहा है? आप भी बैठ जाइए प्रभु। क्या हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे अचानक से? ये सब ने काम का है बंद कर दिया? चूस भी भैया, उधर घड़ी की तरह देखो, का टाइम है? 8 बजे। क्यों, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? अरे 8 बजे भाई हमारी घंटी बज जाती है। ऐसा है, 5 लाख पीसेस का ऑर्डर मिला है, ऐसे में 1 मिनट की भी ब्रेक हमारे लिए हानिकारक है, समझे? और हमारी घंटी बजने के बाद अगर हमें टाइम पे ना मिलती है तो फिर हमारे दिमाग का कांटा हिल जाता है और फिर हम सबके लिए हानिकारक हो जावे। सेठ जी, तेरा दिमाग फिर गया है क्या है? तेरे लिए काम से ज्यादा जरूरी जाम है? काम भी जरूरी है और जाम भी जरूरी है। हमारी फैक्ट्री में सिर्फ और सिर्फ काम जरूरी है, किसी को भी जाम नहीं मिलेगा। और अगर किसी ने जाम पीने की कोशिश की तो मैनेजमेंट उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अबे सुन, मैनेजमेंट की बत्ती बना और पीछे वाली जेब में घुसा ले। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बॉस से बात करने का ये तरीका है? बॉस बॉस छोड़, जो है वो ही रहे। अगर हम मजदूर बन गए तो फिर यूनियन बनते देर नहीं लगेगी। फिर सो कॉल्ड तेरी ये फैक्ट्री में सिर्फ एक ही नारा गूंजेगा, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। क्या बदतमीजी है? ला फैक्ट्री शुरू हुई नहीं कि यूनियन बन गई? ऐसा है भैया, जब मजदूर की डिमांडें पूरी नहीं होती ना तो यूनियन अपने आप बन जाती है। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, यूनियन। ओ भाई, एक शांत हो जाइए, शांत बैठिए। देखिए, आप यूं समझ लीजिए कि ये हमारी एक रिक्वेस्ट है, या रिक्वेस्ट छोड़िए, एक वार्निंग है। हमारे यहां किसी भी यूनियन बाजी को कोई जगह नहीं मिलेगी, यहां पर सिर्फ काम होगा काम। हम पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कह चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ काम कीजिए। आपको पता नहीं है हमारे ऊपर ऊपर से कितना प्रेशर है। और चाचा जी, आपको नहीं पता क्या, सुबह सुबह आपके वो भतीजे ने हमें धमकी दी है कि अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो तू एक काम कर, जाम का इंतजाम कर, फास्ट काम की हम लोगों की जिम्मेदारी। क्यों भाइयो, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लो, ये मास्टर भी बोल पड़ा। जहाँ गलत बात होती है ना, वहाँ मास्टर जरूर बोलता है। मां साहब, एक बात बताइए, यहाँ कौन सी गलत बात हो रही है? अगर हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं तो कौन सी गलत बात कर रहे हैं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।